तो बलरामपुर जिले में नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ लगे अविश्वास प्रस्ताव में फ्लोर टेस्ट से पहले एक बड़ा सियासी घमासान देखने को मिला। फ्लोर टेस्ट से ठीक पहले नगर पालिका अध्यक्ष ने अपना इस्तीफा सीएमओ को सौंप दिया, जिससे वहां खलबली मच गई। अध्यक्ष ने पारिवारिक कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस और बीजेपी के 14 पार्षदों ने शहर में विकास कार्य नहीं होने का हवाला देकर अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। देखिए, हम तो भाई टीम चुनाव लड़े, पहला चुनाव लड़े बाबा टीम बन होके, और लड़के लड़ने के बाद बाबा टीम वाले हम लोग हैं, बाबा टीम वाले हैं। इस करके हमको पार्टी विरोध में यहाँ पर काम विकास कतरा के चलते बहुत मेरे को फिक्र लेदर हो गया। यहाँ अपने पार्टी वाले भी हमको करने लगे कि नहीं सर भाई विकास नहीं हो रहा है, विकास कैसे होगा। तो मैं भाई विकास के चलते हमारा ये विनाशकाल हो रहा है, इसके चलते मैं अति सोच करके मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। अपना अध्यक्ष जी ने अभी अपना त्याग पत्र लाया हुआ है मेरे पास, और उसकी जो कॉपी जो प्रक्रिया होती है वो राकेश जाटव इस वक्त संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, आखिर पूरा मामला क्या है? जी, आपको बता दूं, ये पूरा मामला बलरामपुर जिले का एकमात्र नगर पालिका जिस पर कांग्रेस का कब्जा था, जिसमें अध्यक्ष पद पर कांग्रेस समर्थित गोविंद राम थे, जिनके सबसे जब से वो अध्यक्ष बने हैं तब से लगातार उनका नाता विवादों से था। कांग्रेस तथा भाजपा के 14 पार्षदों ने शहर में विकास कार्य नहीं होने का हवाला देकर अविश्वास प्रस्ताव लगाया था। आज सियासी घमासान के बीच फ्लोर टेस्ट होना था, इससे पहले अध्यक्ष ने नगर पालिका पहुंचकर पारिवारिक समस्या बताते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका कहना है कि उन्हें टीए सिंहदेव के गुट का माना जाता है, और जो भी विकास कार्यों के लिए फाइल भेजी जाती है वो फाइल ऊपर जाकर कहीं ना कहीं रुक जाता है। जी राकेश, ये जो उन्होंने इस्तीफा सौंपा है, इसके बाद सीएमओ को उनका इस्तीफा क्या स्वीकार कर लिया गया है? जी, उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है, और अभी सूचना मिल रही है कि उनका फ्लोर टेस्ट में अध्यक्ष के खिलाफ कुल 15 पार्षदों में से 14 पार्षदों ने वोटिंग की है, और एक जो पार्षद बचे हैं वो स्वयं गोविंद राम जो पूर्व अध्यक्ष हैं उनका। जी ठीक, चलिए शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारी के लिए।